हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल खाना खजाना विद रानू में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज आपके साथ मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर करूंगी, बल्कि बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स शेयर करूंगी, जो आपके घर में ज़रूर काम आएगी। आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए किचन टिप्स आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। घी बनाने के बाद ये जो नीचे का खुरचन बच जाता है, कई बार हम इसे फेंक देते हैं, ये किसी काम में नहीं आता, जबकि इसमें बहुत सारा घी रहता है। मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैं बॉयल पानी डाल दूंगी, 2 गिलास के करीब। पानी को डाल के हमें इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए, पानी मैंने भर के डाल दिया ऊपर तक। जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना सही रहेगा। इसे हम एक चम्मच की मदद से चला लेंगे यहाँ पे। ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, आप अपने घर में इस्तेमाल करिएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ऐसे पानी डाल के चला लिया। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और फ्रिज में रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा, ये फ्रिज में रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। ये देखिए, ऊपर एक लेयर कितनी मोटी घी की परत जम गई है, पूरी 1 कटोरी घी निकलेगी इसमें से। ये देखिए, बिल्कुल परत एक मोटी जमी हुई है। अब इसे हम एक चम्मच की मदद से पहले इसे साइड से ऐसे करेंगे। ये देखिए, अब इसे हमें 1 कटोरी में निकाल लेना है। ये देखिए, कितनी मोटी परत घी की निकल गई है। हम इसे 1 कटोरी में निकाल लेंगे। मैंने एक एक लेयर करके सारी कटोरी में निकाल ली है यहाँ पे। अब इसमें मैं 1 गिलास भर के और ठंडा पानी डाल दूंगी। ठंडा पानी डालने के बाद हम चम्मच की मदद से ये साइड साइड से घी निकाल लेंगे, जैसे मैं निकाल रही हूँ। आप ये जो पानी बचा हुआ है, आप चाहें तो इससे पानी को निकाल के आटा भी गूंथ सकते हैं, और फिर या आप इसे चावल बनाते समय चावल में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 1 कटोरी घी हमारा और निकल आया है। ऐसे पानी को हमें निकाल देना है। घी निकालने के बाद भी खुरचन से यहाँ पे देखिए 1 कटोरी घी निकला है। कैसी लगी किचन टिप्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।